आबकारी टीम द्वारा चलाया गया अभियान, अवैध शराब को किया गया जब्त, आबकारी आयुक्त के आदेश और जिलाधिकारी के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी टीम द्वारा भातु कॉलोनी में दबिश चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त पकड़ा गया तथा लगभग 15 बल्क लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई एवं 250 किलोग्राम लेहन व 10 भट्टी व अन्य उपकरण मौके पर नष्ट किए गए। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम महेंद्र पाल है, मैं जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद हूँ। सर, आपकी लगातार जो दबिशें चल रही है, इसके लिए क्या कहना चाहूँगा? देखिए, हमारी जो लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई हो रही है आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश निर्देशन में और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में हमारी आबकारी टीम और पुलिस की संयुक्त रूप से हमारी कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पर एक संदिग्ध भातु कॉलोनी है, जिसे आदर्श कॉलोनी कहते हैं, उसमें हमारी नियमित दबिश होती है और वहाँ पर जो अवैध शराब के जहाँ जहाँ जो अड्डे हैं वहाँ पर जो तलाशी ली जाती है और ली जा रही है और उसमें जो अवैध शराब जो बनती है जिसका रॉ मटेरियल होता है लहन भी नष्ट किया जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे जो प्रतिदिन जो दबिश होती है, अभी कल हुई थी जिसमें जो 15 लीटर शराब पकड़ी गई थी, एक अभियुक्त पकड़ा गया था और लगभग 200 क्विंटल जो हमारा लहन भी नष्ट हुआ था। प्रतिदिन हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा जनपद में और भी जो संदिग्ध जगह है अवैध शराब बनाने की जो दृष्टिकोण से, वहाँ भी हमारी छापेमारी चल रही है। सर, पार्टी में जो पार्टियाँ चल रही हैं सर, उसमें जो देखिए जो शादियों का सीजन शुरू हो गया है, इसमें जो पार्टियाँ लोग मनाते हैं जिसमें अपने जो गेस्टों को और शराब परोसने का, शराब पिलाने का शौक रखते हैं, शराब पिलाने की भी कार्रवाई करते हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि कोई भी शराब यदि किसी भी फंक्शन में शराब पिलाई नहीं जा सकती जब तक उनके पास में वैध अनुज्ञापन हो, वैध बनने लाइसेंस दिया जाता है आबकारी विभाग द्वारा, जो ऑनलाइन उसे अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरा यही है कि बिना अनुज्ञापन के, बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी में, किसी भी प्रकार की पार्टी में अपने गेस्टों को शराब न पिलाए। और यदि किसी को अपने गेस्टों को शराब परोसनी है, उसके लिए वैध लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए हमारे ऑफिस कार्यालय में कभी भी आपके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, इस मुद्दे को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, क्या अपील देना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि चूंकि ठंड का सीजन शुरू हो गया है, उसमें हमारी शराब का जो कंजम्पशन है वो हो गया, बढ़ जाता है, ऐसे अवसर पर जो अवैध शराब बनाने वाले जो तत्व हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो सस्ते रेटों पर शराब बेचने का प्रयास करते हैं। तो मैं यही जनसाधारण से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अवैध अड्डों अनजान व्यक्ति से शराब खरीद के न पिए। ये शराब जहरीली हो सकती है और इसमें मिथाइल एल्कोहल मिला हुआ हो सकता है। मिथाइल एल्कोहल एक घातक विषय है, इसके अल्पमात्र सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो मेरा पुनः अपील यही है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अड्डों या अपरिचित व्यक्ति या फिर संदिग्ध व्यक्ति से शराब खरीद के न पिए।